डे वन 4:15 PM द रूडेस्ट बुक एवर। तो चलिए शुरू करते हैं। लिख तो लिया साला, समझ कैसे आएगा। तो देखो यार, ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत ज़रूरी है, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। डे 9 के बाद 2 दिन मैं ये चैलेंज अटेम्प्ट नहीं कर पाया क्योंकि मैं घर पे नहीं था यार, मैं बाहर गया हुआ था हैशटैग नानी का घर। मैंने वहाँ भी एक वीडियो शूट किया है, वीडियो तो नहीं कहूँगा, एक मेमोरी शूट किया है, वो भी यूट्यूब पर आ जाएगी यार, होपफुली इस वीडियो से तो पहले ही आ जाएगी। ये चीज़ तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, मैं बीच में ये कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाया, जितना हो सके मैंने किया यार, पर मुझे मेरी राइटिंग में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा, ठीक इम्प्रूव कर रहा हूँ मैं। आओ का भीतर बादनी आगी रात यादनी याद का दिया कि साला फीवर हो गया। I'm sorry, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो जाता है बीच बीच में। डे थर्टी फाइनली ये चैलेंज खत्म हुआ। ट्रस्ट मी यार, जो इस टाइम मैं फील कर रहा हूँ ना, वो बस मैं ही फील कर सकता हूँ। देखो यार, मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो जाए, इसलिए अब सीधी बात करते हैं कि मुझे इस चैलेंज से क्या क्या फ़ायदा हुआ या फिर क्या क्या मैंने इस चैलेंज से सीखा। नंबर वन थिंग, कंसिस्टेंसी। यस, मैं देखो यार, मैं उन बंदों में से आता हूँ जो कभी भी ना एक चीज़ को लंबे टाइम के लिए नहीं कर सकता। हाँ यार, मैं मानता हूँ कि मुझे नई नई चीज़ें ट्राई करने में मज़ा आता है, बट यार मैं कभी भी एक नई चीज़ को एक लंबे टाइम के लिए फॉलो नहीं कर सकता। आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता। एंड फाइनली मैंने ये एक चैलेंज पूरे 30 दिन के लिए फॉलो किया है, एंड दिस इज़ वन ऑफ माय बेस्ट अचीवमेंट्स। मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट भी नहीं है मैं मानता हूँ, बट हाँ मैं हैप्पी हूँ इस चीज़ से। देखो यार, अगर आप कभी ऐसा एक चैलेंज परफॉर्म करने वाले हो तो याद रखना कि सबसे बड़ी जो चीज़ इस चैलेंज को करने के लिए चाहिए वो है पेशेंस। यस, जो मुझ में तो बिल्कुल नहीं है। बट हाँ यार, अगर आप इस चैलेंज को एक फॉलो कर रहे हो एक लंबे टाइम के लिए, आपको पेशेंस तो जरूर सिखा देगा, क्योंकि इसमें आपको हर एक लेटर सजा सजा के लिखना पड़ता है, क्योंकि आपके हाथ को प्रैक्टिस नहीं है, सिंपल सी बात है। एंड यार, मैंने एक चीज और नोटिस करी कि मेरी राइटिंग ना, मतलब जो लेफ्ट हैंड से मैं लिखता था पेजेस, उसके अंदर ना एक वो नहीं था, क्या कहते हैं उसको, मतलब मेरी राइटिंग ऐसे नहीं जा रही थी, मेरी राइटिंग जा रही थी ऐसे 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 ऐसे, मतलब बहुत ऐसे ऊपर नीचे का ग्राफ था। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब यार, सीधी सी बात है कि मेरी राइटिंग कभी तो बहुत ज्यादा अच्छी बन जाती थी और कभी तो जम्मा ही बकवास कह सकते हो। बट हाँ, अगर आप एक ओवरऑल तरीके से देखोगे तो यस, इम्प्रूवमेंट तो डेफिनेटली है। एंड डेफिनेटली यार, मैं इन सारे पेजेस को संभाल के रखूंगा मेमोरीज के तौर पर, ताकि मैं फ्यूचर में याद कर सकूं कि मैं कितना वेला हुआ करता था। बस यार, आखिरी में कहूंगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।